हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन कंपनीज़ के बारे में। जी हाँ, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके अलावा तीसरी कंपनी है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर डिस्क्लोज करी गई है। इस खबर को हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर टू ओपन अकाउंट इन अपस्टॉक। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस। ऑलराइट दोस्तों, आप देखिए, खबर को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL तीनों को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से, यानी सरकार, भारत सरकार की तरफ से इन सभी से कहा गया है कि आप लोग जो है 12 एथेनॉल प्लांट्स को लगाइए, यानी 12 एथेनॉल प्लांट्स को आपको लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है लगभग 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की जो डिमांड है आप उसको पूरा कर सकें या उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं मदद कर सकें। देखिए, अभी भी आपको खबर नहीं समझ में आई होगी, अभी समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एथेनॉल हमारे देश के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का। नेसेंट एथेनॉल इकोनॉमी, यानी एथेनॉल की इकोनॉमी आने वाले टाइम में बूम करेगी। अभी हमारी इकोनॉमी से एथेनॉल पूरी तरीके से कॉमर्शियली नहीं जुड़ा है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं लेकिन उसको हम कॉमर्शियली, यानी हम उसको अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें ब्लेंडेड रूप में अभी ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है उसको पुश करने के लिए लगातार बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है। राइट, यानी एग्रेसिवली पेट्रोल जो ज़ीरो ब्लेंडिंग के साथ यूज़ किया जा रहा है उसको कट कर रही है, उसको रिड्यूस कर रही है, और उसकी जगह पे जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उसको यूज़ करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है। तो इस तरीके से सरकार जो है पुश कर रही है, इस तरीके से हम रिड्यूस कर पाएंगे अपने एटमोस्फेरिक पोल्यूशन को और बहुत सारी चीज़ों को। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक इम्पेटस है नेसेंट एथेनॉल इकोनॉमी के लिए हमारे देश के अंदर, और इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तीनों से कहा गया है कि आप एक 12 एथेनॉल प्लांट्स को इस्टेब्लिश करिए अपने हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। तरुण कपूर जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी हैं, इनकी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ किया गया। राइट, और यहाँ पे इन तीनों कंपनी से कहा गया है कि 150 करोड़ लीटर पर एनम एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी तरफ से, जो 1,000 करोड़ लीटर पर एनम, जी हाँ 1,000 करोड़ लीटर पर एनम, जो कि भारत सरकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है 2025 तक, यानी 2025 के टारगेट जो कि 1,000 करोड़ लीटर पर एनम का जो टारगेट है 2025 का, उसको पूरा करने के लिए आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 150 करोड़ लीटर पर एनम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा यही करें, और भी कंपनीज होंगी जो एथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन यहाँ पे इन तीनों की तरफ से जो टारगेट बताया जा रहा है कि ये इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 150 करोड़ लीटर पर एनम एथेनॉल। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है भारत सरकार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यूज़ करना चाहती है 2025 तक। हमारे मार्केट में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पेट्रोल स्टेशंस पे आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। अभी हम लोग 7 से 8%, 5%, 4% तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमारी गाड़ियों के, हमारे व्हीकल्स के जो इंजन होंगे वो 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को कंज्यूम करने के लिए ही बनाए जाएंगे। अभी एथेनॉल बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट होता है, इसीलिए उसको स्टोर करने की भी एक अलग प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि ये तीनों कंपनीज स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी इंस्टॉल करेंगी ताकि एथेनॉल को और किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करके स्टोर किया जा सके, ताकि किसी तरीके को नुकसान ना हो, उसको लॉन्ग टर्म यानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक उसको एक्सटेंड करके यूज़ किया जा सके, जैसा कि हम पेट्रोल में यूज़ करते हैं। लेकिन पेट्रोल लॉन्ग लास्टिंग होता है, इतना जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है, डिहाइड्रेट नहीं होता, लेकिन एथेनॉल के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन कंपनीज निकाल डालेंगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल ब्लेंडिंग जो होगी ना, वो रिफाइनर्स के ऊपर छोड़ दी जाएगी, यानी रिफाइनर जो होंगे वो करेंगे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ करेंगी, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी कंपनीज़ खुद ही फंड करेंगी, राइट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको पूरी तरीके से मैं समझा पाया और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को समझ में आए, अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज कोई जैसी आपकी इच्छा, एंड टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।